मैं आप लोग को बोर कर दूंगा। मैं भी तंग आ गया हूं क्योंकि जयश्री के पीछे मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया और वो मतलब चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाली। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जयश्री ऑफिशियल में। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जयश्री तो ब्लॉग बना नहीं रही है, और नहीं बना रही है कि मतलब ये हुआ कि अब यूट्यूब पे उसका इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है कि मैं वीडियो बनाऊं, ताकि वो चार साल से मेहनत की थी और चार साल में उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि 15,000 प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी कोई अच्छा उतना रिजल्ट नहीं आने की वजह से वो अब यूट्यूब छोड़ चुकी है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियो देता रहूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी आया हुआ हूँ गंगा नदी के तट पर, और देख सकते हैं यहाँ पर गंगा जी का पानी। अभी इसमें पानी था नहीं, एक दिन पहले तक पानी नहीं था, लेकिन अभी वो साइड जो आपको दूरी में दिख रहा होगा वहाँ से पानी मतलब काटा गया है और काट के इसमें लाया गया है। तो अभी इसमें लगभग 20 फीट पानी होगा यहाँ पे। तो मैं अभी आया हुआ हूँ यहीं पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि आज सोमवार था और श्रावण महीने का आज सोमवार, और देख सकते हैं गाइस वहाँ पर काफ़ी जंप कर रहा है। इसमें बड़ी गंगा जी से इसमें पानी आया है, इसलिए इसमें मछली बहुत ज़्यादा है। और हमारा गांव आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा गांव यहीं पे पड़ा, तो मतलब हम लोग गांव से सटा हुआ ही मतलब गंगा नदी है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग काफ़ी अच्छे जगह पे हैं और बाजू में ही मतलब हमारा स्टेशन भी पड़ता है, मतलब बहुत परफेक्ट जगह पर हैं हम लोग। तो दिखाते हैं बैक कैमरे से आपको यहाँ का व्यू, देख सकते हैं गाइज ये जो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मंदिर है, ये हमारे घर के थोड़ा ही दूरी पे ये पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नहाने वाले लोग भी बहुत कम मात्रा में हैं, क्योंकि बहुत लोग को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे पानी है भी, वो तो मतलब अचानक से यहाँ पे कल रात में पानी छोड़ा गया है और सक्षम है जो कि आगे जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी पे वो निकल चुका है और मैं यहीं पे हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई होने की वजह से हमें थोड़ा ऊंचाई से नीचे जाना पड़ रहा है, और ये रास्ता है, ये रास्ता भी हमारे घर के तरफ जाता है। एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर क्या यहाँ पर ये पीपल का पेड़ लगाया गया है और यहाँ पर लोग मतलब गंगा नदी ये साइड पड़ा, इतना हाइट क्रॉस करके जाना पड़ता है, हमें अभी नीचे उतरना पड़ा था, ये आप देखे होंगे। और ये रहा छोटा सा मंदिर, तो यहाँ पे लोग नहा के और यहाँ पे पूजा करते हैं। और अभी चलते हैं, बारिश हुआ है तो सभी जगह गीला है, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी पानी जमा है। गाइस जैसा कि मुझे वीडियो बनाना तो आता नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बोर कर दूँगा। मैं भी तंग आ गया हूँ क्योंकि जयश्री के पीछे मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया और वो मतलब चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाली, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने की वजह से उसका चैनल पे अभी व्यूज़ भी नहीं जा रहा है। तो अभी मुझे भी कोई टेंशन नहीं, आप लोग देखो अथवा ना देखो, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते थे इसके लिए, अभी चैनल भी डेड हो चुका है हम लोग का, कोई बात नहीं। आप नहीं भी देखोगे तो भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, डालने का तो पैसा लगता नहीं है, डालता जाऊँगा। हो सकता है कभी तक बाई चांस निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो भी मैं डालता जाऊँगा, क्योंकि नेट तो हमें भरवाना ही पड़ता है हर कंडीशन में। कोई बात नहीं, बने रहिए वीडियो पे। ये देख सकते हैं कैसा मक्के की यहाँ पे खेती, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, अभी छोटा छोटा है, अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रहा है, देख सकते हैं बेजोर लग रहा है यहाँ पर का नज़ारा। फिलहाल तो मैं घर के तरफ चल रहा हूँ क्योंकि हमारा ड्यूटी का भी टाइम हो गया है, मुझे पता भी नहीं था, ध्यान में था ही नहीं कि मुझे वीडियो भी बनाना है, ब्लॉग भी बनाना है। लेकिन हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ और इंस्टाग्राम पे अब वीडियो मैं बना रहा हूँ और कंटिन्यू बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ एक जगह सफलता नहीं मिला तो दूसरे जगह ट्राई करेंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब लोग घास की कटाई कर रहे हैं, और यहाँ पर जो जंगल ऐसा लगा है तो लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाय भैंस जो भी होता है साइड पड़ता है खेत में, तो यहाँ पे लोग बांध के रखते हैं, घर में नहीं रखते क्योंकि हमारा सिटी है, अंदर बहुत फ्रेश गांव है, इसके लिए सब लोग बाहर ही रखते हैं। और ये देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ये पूरा बांस की खेती होती है, यहाँ पे पूरा बांस ही लगा हुआ है, बम्बू जिसे आप लोग बोलते हैं,
तो ये लगा हुआ है और बारिश इतना तेज हुआ है कि आप देख सकते हैं कि सभी जगह पे कचरा है, मतलब जाने का रास्ता भी नहीं है। हम लोग दूसरी रास्ता से गए थे वहाँ और आ रहे हैं अपोजिट रास्ते से, तो यहाँ पे काफ़ी कीचड़ है दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये व्यू काफ़ी अच्छा आता है यहाँ पे बांस के पास, अगर वीडियो बनाया जाए तो बेहतरीन लगता है। और धूप भी ज़्यादा आ गया है अभी, क्या है बारिश होता है, तेज़ बारिश होता है और धूप भी हो जाता है, तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि हम आपको बता नहीं सकते, एकदम गर्मी से ज़्यादा परेशानी जैसा एकदम लगता है। तो हमारा गांव में देखिए कि कैसे लोग खेती भी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग घास काट रहे हैं और ये पूरा का पूरा मक्के की खेती है और यहाँ पे घास की कटाई हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे भी जानवर लोग पालते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं लेकिन अभी नहीं हैं, पता नहीं बारिश की वजह से नहीं रखेंगे क्या, मगर इस जगह पे बहुत सारा मतलब हर तरह के जानवर, बकरी गाय भैंस खटाल जिसको बोलते हैं वो खुला हुआ है ये। और ये पीछे हमारा ये साइड पे हमारा घर आ जाता है और ये पता नहीं किस चीज़ का झाड़ी है, काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो गाइज अब तो हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और समय से अगर पहुँचेंगे तो खाना खा के हमें ड्यूटी भी निकलना है, इसलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ। और देख सकते हैं यही रास्ता जो है ये हमारे घर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मैं अभी बाहर बाहर ही जा रहा हूँ घर पे, मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, बाहर बाहर ही जा रहे हैं, तो ये रास्ता हमारा जाएगा घर पे। गाइस देख सकते हैं कि मतलब बारिश के दिनों में जहाँ देखे हरियाली ही हरियाली, मतलब जो बेकार का घास जो उग जाता है ना तो वो भी काफ़ी बेहतरीन लगता है, देख सकते हैं एकदम लगता है कि जैसे फूल जो लगा हुआ रहता है ना तो फूल से भी ज़्यादा बेहतरीन अभी हरियाली सिर्फ देख के लगता है, क्योंकि बारिश के बाद बहुत तेज़ उगता है घास। और अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, सक्षम तो साइड से चला गया, चलते हैं अभी घर। गाइस तो ऐसे ही गली से होते हुए हम अपने घर पे जाते हैं, बस अब नेक्स्ट जो गली होगा उसी में हमारा घर। गाइस देख सकते हैं ये है हमारा घर, हम घर पे आ चुके हैं और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।